अम्मा ये बैठे बैठे कैसे इनकलाब आ गया, इतनी जल्दी क्या है? अरे ये जीनत भाभी और सैरिश के सामने अपनी बेबसी पे शर्म आती है मुझे। मेरे दुश्मन मुझ पे तरस खाए ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी खारा खिला रहे हैं तो कभी पानी पिला रहे हैं तो कभी वॉशरूम लेके जा रहे हैं, नहीं अच्छा लगता मुझे। किसी की हमदर्दी को शक की निगाह से ना देखें। ये हमदर्दी नहीं है, ये एहसान कर रहे हैं मुझ पे। अरे मेरी माजूरी पे हमदर्दी नहीं कर रहे, हंसी उड़ा रहे हैं। खुदा के लिए अम्मा प्लीज अपना दिल साफ कर ले। तुम्हारे दिल को और तुम्हारे बाप के दिल को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उन लोगों के कब्जे में है। और उन लोगों के दिल को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कैसे हैं वो लोग। तो फिर आपको क्या लगता है कि रायमा आपका ताई अम्मी से ज्यादा ख्याल रखेगी? अरे नहीं भी रखेगी ना, तो कम से कम ये एहसास तो मेरा कलेजा छन्नी नहीं करेगा कि मेरे दुश्मन मेरे मुंह में आके पानी डालते हैं। अम्मा रायमा अगर मुझसे दुश्मनी भी करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरी उस तरह से दुश्मन नहीं होगी जिस तरह से तुम्हारी दोस्तनुमा दुश्मन ताई अम्मा है। अरे उसकी दुश्मनी में भी मुझे मक्कारी नजर आती है। लाहौल वाला कुवत, माँ बाप को कौन समझाए? कैसी तबीयत है आपकी? अम्मी पूछ रही हैं आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं अभी तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे मुझे एहसास है तुम्हारी अम्मी को मेरी हर जरूरत का मुझसे पहले ही एहसास हो जाता है। मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। बस बस रहने दे। आप रो रहे हैं ना? नहीं छोड़, मैं क्यों रोऊंगा? हाँ आप क्यों रोने लगे? एक थप्पड़ और मार ले मुझे। मैं तुम्हारा गुनहगार, विश का गुनहगार। अगर तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ मार। नहीं पापा, मुझे गुनाहगार ना करें। बाप को थप्पड़ नहीं मार सकते, मां को मासी का ताना भी मत दो, वो भी महविष जैसी मां जिसका मासी आईने की तरह बेदाग है। पापा आपने सीने से लगाया भी तो महविश की बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए। मुझे किसी भी रिश्ते के साथ शर्मिंदा होकर नहीं जीना। पापा मैं आपसे जुदा नहीं हो सकती। मामा मुझे आपसे दूर कर देना चाहती है, मुझे आपसे जुदा नहीं होना। मेरी मजबूरी है, कोई भी बाप अपनी बेटी को सारी जिंदगी सीने से लगाकर नहीं रख सकता। एक ना एक दिन उसे अपने घर जाना ही होता। मैं बहुत मजबूर हूं।
आप ये क्यों नहीं कहते कि आप मामा की बातों में आ गए? आप मुझे खुद से दूर कर देना चाहते? मुझे आपसे दूर नहीं होना है। तू समझ क्यों नहीं रही हो कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, नहीं रख सकता अपने साथ। अपने पापा की मजबूरी को समझो। मैं बहुत मजबूर हूं। तुम्हें जाना होगा, अपने घर जाना होगा। से गिर गया था, वो भी दिल पैर ठोकर। मेरा फ्रेंड मुझे पकड़ रहा था। रहमा भी अच्छी गिरे ना, वरना मामा थोड़ी अपने बच्चों को गिराती है, और ना ही बच्चे अपनी मामा से खौफ खाते। जल्दी जल्दी फिनिश करो, जल्दी जल्दी खा लो। शाबाश, प्लीज अजान। पापा जी बेटा, आई एम सॉरी, मुझे खुद को कमरे में बंद नहीं करना चाहिए था। ना मुझे मम्मा से डर लगता है, ना मैं मम्मा को स्टेप मम्मा कहूंगा। गुड, वरना अल्लाह मियां ऐसी बातों से नाराज होगा। स्टेप मम्मा नहीं कहना चाहिए। अजीम, आप ठीक हैं? अच्छा जान, आप जल्दी जल्दी से इसे फिनिश कर लो, मैं भी आती हूं, ठीक? समझ में नहीं आ रहा, किसी सूरत रुखसती के लिए रजामंद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और को पसंद करती? और अगर ऐसा है तो फिर निकाह के लिए हामी क्यों बनी? नहीं अजीम, रहमा ऐसी लड़की नहीं है जो फ्लर्ट किसी और से और शादी किसी और से करे, बल्कि फैसले से पहले तो शायद उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं होगा। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती? फिर उसके इनकार की वजह? फैसल भी रायमा के नजदीक एक मसलियत है, बल्कि कोई और मर्द उसकी पसंद नहीं सिवाय आपके। ये तुम क्या कह रही? मैं ठीक कह रही हूँ अजीम, वो आपकी वजह से रुखसती नहीं करना चाहती, वो इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती, आपसे दूर नहीं होना चाहती। वो समझती नहीं है मैं क्या करूँ। कई बार समझा चुका हूँ कि बेटियां सारी जिंदगी माँ बाप के घर नहीं रहती। क्या करूँ मैं, फैसल से उसका रिश्ता खत्म कर दूँ? नहीं अजीम, ऐसा नहीं है, हमें उसकी रुखसती करवानी होगी, उसे समझाना होगा, उसे जिंदगी के इस पहलू के बारे में बताना होगा, वरना रायमा की जिंदगी खुद उसके लिए बोझ बन जाएगी। नहीं अजीम, अगर आप रायमा के इन्हीं आंसू पर पिघलने लगे तो कल यही आंसू हमारी बेटी का बुरा नसीब बन जाएंगे। नविश, क्या कह रही हो तुम? जी अजीम, बीमार को सेहतयाब होने के लिए कड़वी दवा तो पीनी पड़ती है ना। आज हमारी रायमा भी सहनी कश्मकश का शिकार है। ठीक है, तुम उसकी रुखसती की तैयारी। जी, आप भी चले आराम कर लें, बहुत देर हो गई। Thank you.
कैसे हो फैसल? रायमा तुम इस वक्त? फैसल मुझे अम्मा की तबीयत का पूछना था इसलिए इस वक्त कॉल। कैसी हैं अम्मा? तुम अम्मा के लिए फिक्रमंद हो रही हो, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। फैसल तुमने कभी मुझ पर यकीन ही नहीं किया। मैं अम्मा को देखने आना चाहती हूँ। हमेशा के लिए या सिर्फ इयादत के लिए? जैसे तुम कहो। हमेशा के लिए कहोगे तब भी तुम्हारा इख्तियार है। रहमा वाकई मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मेरा यकीन करो फैसल, तुम अम्मा से बात करवा दोगे अगर वो जाग रही हो तो? अम्मा तो ताई अम्मी की तरफ है, उन्होंने रोक लिया वहाँ, यहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे तुमने मेरी अम्मा को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। अगर मैं होती ना तो एक मिनट के लिए भी अम्मा को अपने से जुदा ना होने देती। कैसे बदतमीज बैठे हो। तो आ जाओ अम्मा की खिदमत करने के लिए। मुझे लेने आओगे तो मैं आऊंगी ना। अभी आ जाऊं? नहीं अभी नहीं, अभी तुम्हें बारात अरेंज करने में दुश्वारी होगी। रियली तुम चाहती हो कि मैं बारात लेकर आऊं तुम्हें ले जाने के लिए? अगर अभी अम्मा से बात करवा दो प्लीज। चलो ठीक है करवाता हूँ। रायमा कहो। आई लव यू। पता नहीं बेटे बिटाए क्या हो गया। या अल्लाह कोई मेरा ये हाथ ही ठीक कर देना बस। छजी जान आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूं ना, दिन रात आपकी खिदमत करूंगी। आपको पता है मैंने जंगली कबूतर मंगवाए हैं, उनके खून से आपकी मालिश करूंगी, आप यूं ठीक हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मासूम कबूतर की जान मत लेना मेरी खातिर। मैं हो जाऊंगी ठीक, बस तुम मेरी फिक्र ना किया करो। चची जान मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ये अम्मी से बात करो। अम्मी रायमा का फोन है आपके लिए। कौन रायमा? अच्छा अच्छा अरे कैसी है बेटा? माँ सद के जाए, बेटी तू कितनी परेशान हो रही है मेरे लिए। अम्मा मैं बेटी हूँ आपकी, मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बाकी सब तो ठीक है, ये हाथ पथरा गया। ये लो, वो फैसल और इमरान और वो नहीं है एक बार नाश्ते के लिए? वो आज बाजार बंद है ना, छुट्टी है, सो रहे होंगे तीनों। जी अम्मी मैं अभी देख कर आई हूँ, तीनों सो रहे हैं और जब उठेंगे तो मैंने नाश्ता बनाकर दे दूंगी, आप लोग नाश्ता करें। अच्छा भाभी हरने वाले पे मैं आपके एहसान को याद करती हूँ, कैसे बदला उतारूंगी इसका। ऐसे क्यों कह रही हो बिल्किस? अगर खुदा ना खास्ता मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम क्या मेरी खिदमत नहीं करोगी? क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी मैं खिदमत। भाभी वो मुझे याद आया, रायमा का फोन आया था, मेरी बीमारी की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, शायद आज इयादत के लिए आ भी जाए। बोलो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भाभी मैंने ऐसे खामखाई फजूल सी बात पे झगड़ा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सोच रही हूँ आज सभी घर पे हैं, आप दानिश भाई को और इकबाल को लेकर जाके कोई शादी की तारीख ले आए और वो
अजीम ने भी हॉस्पिटल में हाँ कह ही दी थी। हाँ आज दानिश भी जल्दी आ जाएंगे, और तुम ऐसा करना जुलेखा बेगम को फोन कर लेना, अगर उनकी मर्जी हुई तो फिर तुम भी साथ चलना। मैं अब कहाँ जा सकती हूँ, मैं तो मजबूर हो गई। अल्लाह ना करे, ऐसे कैसे कह रही हो? ठीक ठाक हो, अच्छी भली हो, खाती पीती हो, ऐसी बातें नहीं करते। सब ठीक है। रायमा तुम सही से खा नहीं रही? मैं ले रही हूँ। रायमा ठीक से नाश्ता करो। दादो वो मैं अम्मा को देखना चाहती हूँ, अगर पापा इजाजत दें तो। अरे अजीम क्यों इजाजत नहीं देंगे, तो बहुत अच्छी बात है रायमा। क्यों अजीम? उसकी मर्जी है। बेटा वो इजाजत मांग रही है। मुझे तो कोई एतराज नहीं। कैसे लाएंगे लेने के लिए? रायमा तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम जाना चाहती हो, छोटे अगर कदम बढ़ाए तो बड़ों को उनकी इम्पोर्टेंस फील होती है। बिल्कीस। हेलो बिल्कीस। चलो ठीक है, हम इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज। रायमा के ससुराल वाले आ रहे हैं शाम को रुखसती की तारीख रखने के लिए। पापा आई एम रियली सॉरी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।